नामली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आज मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर धरना दिया, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीण माने और अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। देखिए ये रिपोर्ट। नामली क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया था। इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 14 आरोपी फरार हैं। मामले में बुधवार को मृतक के परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर धरना दिया। परिजनों ने सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस दौरान मृतक गजेंद्र सिंह डोडिया के भाई राकेश डोडिया ने बताया कि उक्त हत्याकांड के आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच की जाए, इसके अलावा अवैध निर्माण तोड़ा जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने के साथ ही शेष फरार 14 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों से अपर कलेक्टर RS मंडलोई, एडिशनल SP राकेश शाखा ने बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, नामली।